जनपद बिजनौर क्षेत्र की कोटावली नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण पुलिस ने हरिद्वार जाने का रास्ता बंद कर दिया है, जिसके कारण वहां से गुजर रहे कांवड़िए भी अब फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि कोटावली नदी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ती है, जिसका पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण रपटे पर पानी आने के बाद मंडावली पुलिस को रास्ता बंद करना पड़ता है। हालांकि हरिद्वार जाने के लिए रपटे पर पानी आने के बाद एकमात्र रास्ता बचता है जो भागुवाला से नहर पटरी से होकर जाता है, मगर कांवड़ यात्रा को लेकर तमाम दावे करने वाले शासन के अधिकारियों ने एक बार फिर भी उक्त रास्ते को नहीं देखा। उस रास्ते की इस कदर खस्ता हाल है, उससे गुजरना बेहद मुश्किल काम है। अब सवाल ये है कि अगर रपटे पर इसी तरह रोज पानी आता रहा तो कांवड़ यात्रा कैसे होगी। हालांकि पुलिस घटना न हो इसके लिए पुलिस 24 घंटे नदी के रपटे पर पहरा दे रही है। आज भी मंडावली थाना अध्यक्ष पानी आने से पहले ही सूचना पर नदी पर पहुंच गए थे। पीएलएल न्यूज के लिए तारिक शेख की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गौरव। आपकी यहाँ पे ड्यूटी लगी कोटावाली पे, तो ये कोटावाली नदी में जब पानी आया है कितनी देर हो गई? ऐसे हो गए करीब 20-25 मिनट। अच्छा, तो किस तरीके से आया पानी? क्या बहुत तेजी स्पीड आ रहा था पानी, बहुत ही जो बराबर के गांव के कुछ जो बराबर पड़े हैं लोग बाहर हटाया। अच्छा, फिर पुलिस को बुलाया गया? बुलाया गया, इन्होंने पहले ही पता था। अच्छा, पानी आने से पहले पुलिस आ गई थी, फिर पुलिस ने क्या किया है? बस दोनों साइड से रास्ता बंद कर दिया और बाकी जो बराबर आसपास में सब हटाए, पानी की व्यवस्था बनाई।